वडोदरा शहर के साथ राज्य भर में बहुचर्चित बने वैसे तृषा सोलंकी मर्डर केस में आज पुलिस ने अपराधी वैसे हत्यारे कल्पेश ठाकुर को अपने साथ रखते हुए पूरी घटना यानी कि हत्या का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। वडोदरा शहर सहित राज्य भर में एक बार फिर बहुचर्चित बने वैसे ग्रीष्मा के बाद तृषा सोलंकी हत्याकांड में पुलिस ने अपराधी की गिनती के ही घंटों में गिरफ्तारी की है। तो वहीं अपराधी के 3 दिनों के रिमांड मंजूर करने के बाद आज पुलिस ने अपने साथ अपराधी को रखते हुए पूरी घटना का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। अपराधी के घर से लेकर घटना स्थल तक किस प्रकार से पूरी हत्या को अंजाम दिया गया उसकी बारीकी से रिकंस्ट्रक्शन करवाते हुए पुलिस ने काफी जानकारी इकट्ठा की है, जहां आज अपराधी को काफी पुख्ता पुलिस बंदोबस्त के साथ कल्पेश ठाकुर को अपने साथ रखते हुए मुजार गांव की तहसील में मर्डर के घटनास्थल पर पहुंचने के साथ पूरी घटना का रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया। पुलिस द्वारा पहले अपराधी के घर पर उसे ले जाते हुए किस प्रकार से घटनास्थल तक वो गया वैसा रिकंस्ट्रक्शन करवाते हुए एक के बाद एक वैसे गुत्थी को सुलझाया गया। वडोदरा क्राइम ब्रांच सहित पुलिस अधिकारियों द्वारा आज पूरी घटना का रिकंस्ट्रक्शन करवाते हुए अपराधी के घर दुकान में जांच की गई। अपराधी ने जहां पर हत्या छुपा कर रखा था उस जगह को अपराधी ने बताया था, जिसके बाद घटनास्थल पर जाकर आज रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया। हत्या करने के बाद अपराधी ने जहां लड़की का एक्टिवा रखा था वहां उस अपने दोस्त के जगह पर जहां वो खड़ा रहा था वो भी स्थल अपराधी द्वारा दर्शाया गया। घर जाने के बाद वो रवाना हुआ था। पूरी घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया गया, हत्या करने की स्टाइल किस पर से प्लानिंग की गई उसकी भी जांच पड़ताल की गई। तो वहीं पिछले एक महीने से अपराधी द्वारा तृषा की हत्या करने का प्लान बनाया गया था उसका भी उसने जानकारी दी थी। तृषा का हाथ किस तरह से काटा गया उस बारे में अपराधी ने बताया था कि तृषा ने अपने बचाव के दौरान हाथ बीच में आ जाते हुए गलती से कट गया था। जल्द से जल्द अपराधी को सजा देने के साथ तृषा को भी न्याय मिले उस दिशा में पुलिस सहित अन्य टीम द्वारा जानकारी और कामगिरी की जा रही है। अपराधी कल्पेश ठाकुर मृतक तृषा सोलंकी तथा अन्य दो दोस्तों का ग्रुप था, जिसमें कल्पेश तृषा को एक तरफी प्रेम में पागल बना था। तृषा उसे पसंद नहीं करती थी और यही बात उसे खटकते हुए आखिरकार अपराधी कल्पेश ठाकुर ने तृषा सोलंकी की हत्या करने का प्लान बनाया था। जो ये पूरी जानकारी इकट्ठा करते हुए पुलिस द्वारा और सघन तहकीकात का दौर जारी करने के साथ आज पूरी घटना का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। आज रोज मकरपुरा मर्डर केस नोंधायेल हतो, जेमा आरोपी कल्पेश ठाकुर ने गुनाना गामे धरपकड़ करेल। नामदार कोर्ट माथी दिन तरण ना रिमांड मेळवेलवामां आव्या हता। जे मुख्य मुद्दो तो रिकन्स्ट्रक्शन पंचनामु के आरोपी कई रीते घरे थी तैयारी करेल छे, हथियार क्यांथी मेळवेलुं छे, कया रूट ऊपर आवेल छे, कया रूट ऊपर आवी अने कई कई जग्याए थी कया रस्ते आवेल छे, मरण जनर ने कई रीते मारेल छे, समग्र इंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन पंचनामु करवामां आवेल छे। एमां आज रोज एने जगह बतावेल छे, पोतानो मित्र अने पोते कई जगह आवीने बेठा छे जणावेल, त्यांथी आगळ जे जे बधुं हतुं एना कया मुजબનું એક પંચોની હાજરીમાં પંચનામું કરવામાં આવેલ છે અને ગુનેગારને સંપૂર્ણ સજા મળે અને ગુનાના તમામ પુરાવો એકત્રિત કરવાની ઝીણામાં ઝીણી વિગતો એકત્રિત કરવાની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે। સર, જેને અત્યારથી એને મર્ડર કર્યું કે અત્યાર ક્યાં છે અને ક્યાંથી લાવ્યો હતો એ આપણે રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં સામેલ કરીએ। અત્યાર બાબતમાં અત્યાર તો પહેલા તે ડિસ્કવરી બંધામામાં કબજે કરવામાં આવેલું હતું। અત્યાર પોતાની દુકાનમાંથી સામાન લેવા માટે બીજો પોતે ઇલેક્ટ્રિશિયનનું કામ કરે છે, ઇલેક્ટ્રિશિયન કામ કરી અને પોતાની દુકાનમાં સામાન ઇલેક્ટ્રિશિયનનો મૂકવા ગયેલો હતો ત્યાંથી અને પોતાના શરીરના આગળના ભાગે પોતે દબાવી અને સંતાડી અને તેના મિત્રને જાણ ન થાય એવી રીતે પોતે જ બાઇક ચલાવી અને અહીંયા સ્થળ ઉપર આવેલ છે અને અંજામ ગુનાને અંજામ આપેલ છે।